नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है बहू के आते ही गर्म रोटी ही क्यों चाहिए। और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, धन्यवाद। सालू ने आलू गोभी की मसालेदार रस वाली सब्जी बनाई, दाल में तड़का लगाया, जीरा आलू भी बनाया। फिर उसने घड़ी की तरफ नजर डाली, दोपहर के खाने का समय होने वाला था। उसने फटाफट आटा लगाया और गैस बंद करके रसोई से बाहर आ गई। अभी थोड़ी देर वह पंखे के नीचे बैठकर चैन की सांस ले ही रही थी, तभी उसकी सासू माँ बाजार से वापस आ गई और थोड़ी देर बाद उन्होंने खाने की फरमाइश कर दी। सालू ने उनके लिए खाने की थाली लगाई और गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगी। सासू माँ का खाना हो गया, सालू ने फिर गैस बंद कर दिया और बचे हुए आटे को ढककर रख दिया। 15 मिनट बाद उसका देवर भी खाना खाने के लिए आ गया। सालू फिर रसोई में गई और फिर गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगी। देवर का खाना खत्म होने के बाद सालू थोड़ी देर आराम करने को बैठी, तभी उसका 2 साल का बेटा नींद से जाग गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। वो उसे चुप कराने लगी। इतनी देर में उसके ससुर जी खाना खाने के लिए आ गए। बच्चे को सासू माँ को पकड़ाकर वो फिर गर्म रोटियां बनाने चल पड़ी। फिर आधे घंटे बाद उसके चाचा ससुर खाना खाने आए, फिर उसे गर्म रोटियां बनानी पड़ी। जब खुद सालू के खाना खाने का समय आया, तब तक वो रोटियां बनाते बनाते इतना ऊब चुकी थी कि खुद के लिए 3 रोटियां बनाना भी उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। यह रोज का किस्सा था। जब तक सालू अपने पति नवीन के साथ दिल्ली में रह रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन वो जब से गाँव आई थी तब से वो रोटियां बनाते बनाते ही पक गई थी। घर में हर सदस्य के खाने का समय अलग था और सबको तुरंत गर्म रोटी ही चाहिए होती थी। कभी कभी तो वह बहुत परेशान हो जाती थी। एक बार परेशान होकर उसने अपने पति से जब इस समस्या के बारे में बात की तो उसके पति ने कहा कि कौन सा तुम्हें वहां ज्यादा दिन रहना है, जब तक वहां हो तब तक किसी तरह कर लो। अब वह बेचारे भी क्या बोले, ससुराल में सब उसे बहुत प्यार करते थे। बस गर्मी में बार बार रोटियां बनाना ही उसे अखड़ जाता, क्योंकि उसके पति ने उसे बताया था कि पहले तो माँ एक ही बार में सबके लिए रोटी बनाकर रख देती थी और जो जब आता था तो वो खा लेता था। लेकिन अब सालू मन ही मन सोचती कि पहले अलग नियम था और अब मेरे आने के बाद सबको गर्म रोटी ही चाहिए। खैर, कुछ दिनों के बाद सालू नवीन के पास वापस चली गई और उसे इस समस्या से छुटकारा मिल गया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के हर सदस्य के खाने का समय अलग होता है। ऐसे में बहू को बार बार रसोई में रोटी बनाने भेजना सही है या थोड़ी देर पहले की हल्की गर्म रोटी से ही काम चला लेना चाहिए? आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।